बाजार के लिए आज भी अच्छे संकेत नहीं। कल की भारी गिरावट के बाद आज निफ्टी के लिए 7800 को होल्ड करना होगी सबसे बड़ी चुनौती। मई सीरीज के पहले दिन बैंकिंग, मेटल और आईटी शुरू पर होगी बाजार की नजर। उम्मीद से अच्छे रहे आइडिया अमूजा सीमेंट के चौथी तिमाही के नतीजे। चौथी तिमाही में आइडिया का मुनाफा 25% घटा, आय में भी दिखा लगभग 5.25% का उछाल। अमूजा के मुनाफे और मार्जिन में अनुमान से कम दिखी गिरावट। आईसीआईसीआई बैंक और बैरिको के नतीजे आज। जी बिजनेस अनुमान के मुताबिक 2% बढ़ सकता है आईसीआईसीआई बैंक का मुनाफा। एनपीएस में भी दिख सकता है उछाल। बैरिको के मुनाफे में दिख सकता है लगभग 23% का उछाल। वॉल्यूम्स भी 10% रह सकते हैं ऊपर। शिप बिल्डिंग कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने शुरू की सब्सिडी स्कीम। 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के 20% वित्तीय सहायता के प्रावधान को मंजूरी। एबीजी शिपयार्ड, मर्केटर जैसी कंपनियों पर होगी बाजार की नजर। और कोयला घोटाले में पटियाला कोर्ट नवीन जिंदल सहित 15 आरोपियों पर आज सुनाएगी आदेश। सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर किस आरोपी के खिलाफ किस दफा के तहत चल मुकदमा किया जाएगा तय।